तो यकीनन उसको ऐसी इबरत का निशान बनाते कि कोई दूसरा शख्स इस तरह का हमारी बच्चियों की तरफ देखने की जरूरत ना कर सकता। मुलजिम रसाई हासिल शुआ और मुलजिम मुनी वाले शु द्रेवण के केसों की मुलजिम चले नकल कन्फेशन करे रहे और दागा चिकम डीएनए टेस्ट हुआ कम मैच हुए रहे नो पुलिस पति की कामयाबी हासिल। जी इज़्ज़तमंदो सदर गुलबर्ग की यह वाकिया वशवा हो बाखाटक नुमा सदा से माशूमी सर जिनसी तशद्दुद शो दागी फौदगी राला यो केस उजी देर हन ट्रेसेबल केसेस ओ द ट्रेस के दो नामे नागस्ता आगे की डीएसपी केंट रियाज खलील से अंत तक मेहनतों ने दागी टीम एसएसपी ऑपरेशन से टूर पर देर ज्यात मेहनतों ने उकू और सड़ी मान दीजिए कम दे बला केसेस ओ आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शो आगे कस कम दे जेल तलाड़ो रियाज से जो हन ट्रेसेबल केस हो अगर ट्रेस शो दगदा मुलजिम हम अरेस्ट शो नन चिकम दे यो दस्तूरवा द मीज़ान फाउंडेशन ल तरफा चिपागी की दीदी ला अवार्ड हम मिलाओ शो अड़ूम बने खो अगी अगी के ताउस ता मुबारकी दरकम के ताउस ता अवार्ड दा ता सो हकदार है पकार जे ताउस ता नोरम मुसलफ जाई मिलाओ शी दगदा मुलजिम गिर शो जी दे तासुर सो चि दग शान दे माशुमान सो दगदा वाकिया दकड़ो द माने मख के सदा से केसेस हु। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मख के खो सदा से केस न मंतला फिलहाल मख तनी रागली शी रिकॉर्ड शिवी ओ दा द्रे के सुना यो पतीन तारीख शेवे हो यो पदस तारीख शेवे हो यो प सतारा तारीख शेवे हो यानी यो शर्के उदूद के शेवे हो यो गुलबर के उदूद के शेवे हो यो गरबई उदूद के शेवे हो संग जी तव है जी यार दा अनट्रेस के सुनो पुलिस पदे के अंत मेहनतों को ढेर कोशिशों को ढेर मेहनतों को पहार जाविया बानी तफ्तीश हर पेलो बांधे पुलिस दा उकतल और आखिर मुलजिम रसाई हासिल शुआ और मुलजिम मुनी वाले शु द्रेवण के केसों की मुलजिम चले नकल कन्फेशन करे रहे और दागा चिकम डीएनए टेस्ट हुआ कम मैच हुए थे नो पुलिस पति की कामयाबी ऐसे लगता सो गुरे सर दगा मुलजिम दौरान इन्वेस्टिगेशन दे तासुर सो दस पागल उचे दगा शान दमा शुमान सर वाकियत करो द पप्पल इंटरोगेशन क्यों वेल सर बस सफल इंटरोगेशन के ऊपर एक्सेप्ट करे दे सगुरे सर पदे की जमुन देखे सोख जिम्मेवार गणे सोख पदे की दासे कसूरवार दी चेहरा दगा शानदार हुआ कि यात रजी पदा का दे माशरा की यार दासे दा चिकम जे इंसान उसी की क्राइम पकेगी क्राइम बकेगी आओ हो बस मंगा पुलिस को पले वाले सर जा खबर आकुम पुलिस एफिशिएंसी दार है जगह ट्रेस आउट की और क्राइम कंट्रोल के खपल किरदार अदा की उदा के सख्त होते दीदा ट्रेसिंग चिरा पिंजी शुरजी वागस्ती अंत तक मेहनतों ना पदे माने बाकी का ते ताजु स्टडी शे भी हम दे रहे आओ यस फर्स्ट दई की मुंग सर दा सी सब आदा का नूर अगले सीसीटीवी पोर्टेज वगैरह जे सख्त के सुना सख्त हो अल्लाह मेहरबानी हुआ ट्रेस आउट दाओ रियाज खलील साहब चिदा डी एस पी केंटो ददी बदौलत दास डी यो बड़ा बेर के मियो केस उचिदा ट्रेस के दूध में ना वस्तो और इंटरव्यू लम हम मुंग पजोर तैयार गुजर का मैं जस्ता सु अप्रिसिएशन पकार जे खल को तब तो लगी चेहरा पर बैग बांधे दा कम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द केंट शिदे तैयार अप्रिसिएशन मिला शिनो गोख्तलम ददी दा खबर वनम जक मुख्तसर अल्फाज के रिकॉर्ड ला चियो केस उजी चे ट्रेस के दूने पिंजी शुरू जो की दगा द पुलिस और डी एस पी केंट मुंग बकतो अंत तक मेहनतों ने शपा और रसपदे के तेरे शिवा का मुलजिम चकम दे अरेस्ट हम शो जेल तमलाडो नो सर ता उस्ता देर देर एप्रिसिएशन दे रहे और अल्लाह के फजल से हम 25वें दिन उस मुलजिम को आप सब के सामने पेश करने में कामयाब हुए। ठीक है अमूमी तौर पे जब हम इस केस के दौरान इसकी तफ्तीश पे काम कर रहे थे तो मुख्तलिफ जो तबका फ़िक्र के हमारे हजरात हैं जिनसे हम मुहर्रम के सिलसिले में मुलाकातों का सिलसिला जारी था तो वो अमूमी तौर पे पंजाब के एक केस का हवाला देते थे कि जी वहाँ पे तो इस तरह हो गया और उस तरह हो गया। देखें बात यह है कि जो हमारी लिमिटेशंस हैं वो शायद उनकी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो वाकया थोड़ा सा पुराना है तो ऐसा लगता है कि एक दिन वाकया हुआ और शायद अगले हफ्ते जो है वो मुलजिम गिरफ्तार हो गया था। बहुत
जद्दोजहद के बाद वो मुलजिम पंजाब में, जिनको पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की खिदमात भी डोर स्टेप पर अवेलेबल थी, उसके बावजूद उन्हें उस केस को हल करने में 6 से 8 माह लग गए मुलजिम को गिरफ्तार करने में, और इस दौरान 8 बच्चियों के साथ ये वाकया पेश आ चुका है। तो मैं बिल्कुल अपने तहे दिल से अपनी इस टीम का और एक एक ऑफिसर का और एक एक जवान का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने 24 घंटे इस केस पे काम किया। हम एक दिन सुबह काम का स्टार्ट करते थे और अल्लाह गवाह है इस बात का कि अगले दिन की सुबह हो जाती थी तो हम अभी भी बैठे हुए किसी न किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते थे। और देखें, जहां पर इंसान बसता है वहां क्राइम होता है। पूरी इंसानियत की तारीख के अंदर शायद ही कोई ऐसा वक्त गुजरा हो जिस दिन, जिस टाइम फ्रेम में जुर्म जीरो हो गया हो। अच्छे और बुरे मुआशरे सिर्फ वो होते हैं कि जहां पे किसी भी वाकये के होने के बाद टेस्ट ऑफ कैरेक्टर ये है कि वहाँ की पुलिस और वहाँ के अवाम उस मसले को टैकल कैसे करते हैं, उसके हल के लिए क्या एक दूसरे पे उंगलियाँ उठाते हैं या एक दूसरे की मदद करते हैं। इस पर हमें बेशतर जगहों पर अवाम ने बहुत सपोर्ट की और हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस दी जिनकी बदौलत हम 25 दिन के कलील अरसे में एक ऐसे मुलजिम को पकड़ने में कामयाब हो गए कि जिसकी ना तो पहले वाकये में हमारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज थी, ना ही उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन था। वो लिटरली एक घोस्ट की मानन था जब हमने पहले केस पे काम करना शुरू किया, लेकिन ये अल्लाह का फजल है और हमारे ऑफिसर्स और जवानों की नेकनीयती और इस अज़म का तायुन था कि जो उन्होंने पहले दिन से किया कि जो भी हो जाए हमने इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना है। जैसे कि आप लोगों में से कुछ ने जब हमसे प्राइवेटली हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि जी इसको इबरत का निशान बनाएं, काश के हमारे बस में होता और कानून में कोई ऐसी प्रोविजन होती तो यकीनन उसको ऐसी इबरत का निशान बनाते कि कोई दूसरा शख्स इस तरह का हमारी बच्चियों की तरफ देखने की जरूरत ना कर सकता। लेकिन बहरहाल हम पुलिस हैं और हमारा काम कानून के मुताबिक चलना है। और मैं ये ज़रूर आपको यहाँ पर आगाही देना चाहता हूँ कि तीनों वाकयात में जिस प्रोफेशनलिज्म का हमारी टीम्स ने मुजाहरा किया और वहाँ से जो एविडेंस कलेक्शन में किसी किस्म की कोई गलती नहीं की और तीनों वाकयात में से जो हमें सीमन ट्रेसेस मिले थे और उसके बाद जब हमने इस मुलजिम का सीमन ट्रेस वहाँ पर भेजा तो हमें ये भी PFSA ने कंफर्म किया है कि तीनों जो हमारी विक्टिम्स थीं उनसे मिलने वाला सीमन ट्रेसेस जो हैं वो एक ही शख्स के हैं और वो सीमन ट्रेसेस की जो DNA उसकी प्रोफाइलिंग और एनालिसिस हुई तो वो जिस मुलजिम को हमने गिरफ्तार किया है वो उससे मैच भी कर गया है। और उसके अलावा जो 164 और 364 की जो कार्रवाई होती है, मैजिस्ट्रेट के सामने इस मुलजिम ने अपना इकबाल जुर्म भी किया है और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है और ट्रस्ट है अपने जुडिशल सिस्टम पे कि इन गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर कोई ऐसी वजह नहीं कि जो उसको फांसी के तख्ते तक ना पहुंचाए। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम हजरात का इंतहाई मशहूर हूँ, सिर्फ एक रिक्वेस्ट के साथ कि कौमों के ऊपर टेस्टिंग टाइम्स आते हैं और उन टाइम्स के अंदर ये आप और हम मिलकर ही इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे लोगों से गलतियां होती हैं, मैंने आज तक कभी किसी महफिल में ये नहीं कहा कि हमारे लोगों से कोई गलती नहीं होती, बिल्कुल होती है, आप उसकी निशानदेही करें। और हम आपसे वादा करते हैं कि जो कानून और रूल्स के मुताबिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखें